हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी निकेतन। आज है 1 मई 2019 और आज हम करेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये एक्चुअली यूएसए में मजदूर ने एक बार स्ट्राइक किया था और उसमें बताया गया था कि मजदूर किसी भी हालत में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। तब से ये मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इस बार के थीम क्या है, जरा एक इमेज देखिए और इस बार के थीम नोट करेंगे आप, यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। ठीक है, चलिए, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और चूंकि ये मजदूर दिवस है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बीते दिनों आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? कि पिछले साल आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया था। तो तब से मतलब पिछले साल से 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाने की घोषणा की गई। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। दोनों इंपॉर्टेंट है डेज, याद करेंगे आप। इंपॉर्टेंट डेज की आपको वैसे सीरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले सवाल, बीते दिनों किस भारतीय संस्थान ने भारतीय लिपि के रूप में 9 भारतीय भाषाओं के मिश्रण के लिए OCR प्रणाली विकसित किया है? तो ये करने वाला इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने 9 भारतीय लिपि, जो ये 9 भारतीय लिपि हैं आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उन सबों को मिला करके एक मिश्रित भारतीय लिपि। देखिए ये 9 लिपियाँ कौन कौन से हैं, देवनागरी, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल। ठीक है, चलिए IIT मद्रास ने किया है। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीते दिनों प्रकाशित किताब पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलिशन हैंडबुक के लेखक कौन हैं? ये सवा नकवी एक राइटर हैं, आप इनके इमेज देखेंगे और किताब का भी इमेज देखेंगे आपको दिखेगा। ये देखिए इनका किताब है और ये सवा नकवी जी हैं, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलिशन हैंडबुक इन्होंने लिखा है। एक्चुअली इन्होंने लिखा है कि 2019 की जो 17वीं लोकसभा चुनाव चल रही है इसमें किसी को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है, उस पर लिखा हुआ किताब है, अच्छा किताब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का तकनीकी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आइजैक दारू। हाँ, ये वही आइजैक हैं, सर आइजैक न्यूटन वाले आइजैक। ठीक है, इन्होंने चूँकि ये देखिए फुटबॉल का स्थिति इंडिया में बहुत ही ख़राब है तो ये इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। वैसे फुटबॉल में अभी अभी एक हमारे यहाँ का फुटबॉलर हैं जो दुनिया के सेकंड मैक्सिमम गोल करने वाले फुटबॉलर बने हैं, तो उनका आप नाम बताएंगे, और बाईचिंग भूटिया हमारे पूर्व कप्तान रह चुके हैं, वो सिक्किम के हैं, उन्होंने अभी एक पॉलिटिक्स में पार्टी भी बनाई है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, बीते दिनों चीन में आयोजित ISS विश्व कप का पर शीर्ष पे कौन रहा है? बिल्कुल, भारत ने 4 मेडल के साथ शीर्ष पे रहे हैं ISSF में। आपको ISSF का पूरा नाम पता है, ठीक है, जो चाइना में हुआ था अभी। देखिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है, अब भारत शीर्ष पे है, चीन दूसरे स्थान पे, रसिया तीसरे स्थान पे और दक्षिण कोरिया चौथे स्थान पे। भारत के पास 4 मेडल हैं जिसमें 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। अगला सवाल है, बीते दिनों किसे इखमंगा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जैक कैलिस को। जैक कैलिस अफ्रीकन क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनको अफ्रीका सरकार से ये मिलता है। एक्चुअली इखमंगा पुरस्कार अफ्रीका के राष्ट्रपति अपने यहाँ के नागरिकों को खेल में या फिर कला में, साइंस में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, अब बीते दिनों जारी सिप्री के रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला पहला देश कौन है? मतलब 2018 में सबसे ज़्यादा खर्च किसने किया था सैन्य पे? तो ऑफ कोर्स ये अमेरिका ही है जो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करता है, अपने GDP का करीब करीब 30% ये खर्च कर देता है अपने यहाँ सैनिकों पे। दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब और चौथे नंबर पे सिप्री के मुताबिक भारत है। ठीक है, वैसे 2017 में ये रिपोर्ट में भारत 5वें नंबर पे था। चलिए सिप्री का पूरा नाम जानेंगे आप, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सिप्री का फुल नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीते दिनों जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग
का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जी आंध्र प्रदेश में। ऑफकोर्स तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड राज्य है, तो डेफिनेटली वहाँ पर थोड़े से दिक्कत होती है व्यापार करने में। इंडिया है, इंडिया में आपको दिख रहा है। राजस्थान कहाँ पर है? राजस्थान के बारे में प्लीज़ आप बहुत कुछ कमेंट कीजिए, बहुत कुछ बताने के लिए है। मैं नेक्स्ट वीडियो में विषय विशेष में इसी को रखूंगा। चलिए अब जवाब देख लेते हैं। छे का बीते दिनों अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में कौन सा देश गेस्ट ऑफ ऑनर रहा? तो ऑफकोर्स ये अपना देश भारत गेस्ट ऑफ ऑनर रहा है। अब सवाल आपके लिए, सवाल 7 #7 आप क्वेश्चन करेंगे। बीते दिनों RBI द्वारा जारी 20 रुपये का नोट का रंग क्या है? आपने कल किया होगा वीडियो, तो बिल्कुल आपको याद होगा। आप इसको आंसर लिखें और आंध्र प्रदेश के बारे में जितना जानते हैं वो आप लिखिए। मैं कल विषय विशेष में आंध्र प्रदेश को रखूंगा, इसके बारे में बताऊंगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।